वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। अज असी बनावांगे सिंपल ग्रेवी चिकन। चिकन नूं असी पहले ही एक घंटा मैरीनेट करके रख लिया सीगा। तो मसाले वास्ते असी टमाटर प्याज तो मिर्चा इन्हां नूं छिल के धो के तो चंगी तरह सुका लिया आ। असी इन्हां नूं फ्राई करना आ। तेल असी गर्म कर लिया आ। हुण असी इहदे विच पावांगे प्याज मिर्चा। मिर्चा विच असी छोटे छोटे कट लगाए आ ते हुण असी इन्हां नूं फ्राई करदे आ। प्याजा नूं पकण विच हजे थोड़ा जिहा टाइम लगेगा ते असी उदों तक ग्रेवी नूं संघनी करन वास्ते जिहड़े आलू पाणे उहनां नूं कट लैंदे आ। छोटे छोटे पीसा विच आलूआं नूं असी कट लवांगे ते फिर असी इन्हां नूं भी फ्राई करना आ। आलू साडे कट हो गए। असी सिर्फ एक आलू लिया सी। प्याज साडे हुण पूरी तरह ब्राउन हो गए आ। इन्हां नूं असी हुण इक प्लेट विच कढ लईए। प्याज साडे बहुत वधिया ब्राउन होए आ। इन्हां नूं कढ़न तों बाद ते हुण असी इहदे विच पावांगे टमाटर, क्योंकि टमाटरां दा वैसे छिलका उतार के उहनां दी प्यूरी बनाउणी आ। हुण पाउणे आ टमाटर। छिलका भी उतर गया है। इन्हें ठंडे करके असं चंगी तरह छिल लवेंगे। हम अस जो आलू कट्टे से उन्होंने फ्राई करते हैं। आलू भी साढ़े फ्राई हो गए हैं तो असं इन्ह सारिया चीज़ों ठंडिया करके तो फिर असं इन्हें पेस्ट बना लवेंगे। तो तुड़का लाने वास्ते चिकन में असं जो खड़े मसाले ले हैं उन्होंने असी तेज पत्ता, एक फुलिया, एक स्टार, मगा, तीन चार वड्डी इलायची के पीस, तीन चार छोटी इलायची के, कसूरी मेथी, जीरा, दालचीनी, इन्हां दा असीं तुड़का लगावांगे। ते नाल असीं जिंजर गार्लिक पेस्ट के दो पैकेट ले आ। मगजा नूं असीं पानी पा के थोड़ा पीस लिया आ। टमाटर की प्यूरी बना ली आ। प्याज ते मिर्चा उन्हां दी अलग प्यूरी बनाई आ। आलूआं नूं असीं साबत ही पावांगे। तो तुड़के वास्ते असी थोड़ा साबत लसन ते अदरक भी लिया। हुण लांदे आ तुड़का। तेल साडा पहले ही गर्म आ। पहला पावांगे जीरा, नाल ही सारे खड़े मसाले पा देने आ। मसालियां थोड़ा जिहा रोस्ट करके तो फिर असी इहदे विच पहला पावांगे अदरक ते लसन जिहड़ा छोटा छोटा कट लिया सी। थोड़ा ब्राउन होने तो बाद फिर असी इहदे विच पावांगे प्याज ते मिर्चा का पेस्ट, क्योंकि असी पहले सारिया चीज़ां तेल विच फ्राई कीतियां आ इसलिए सानू थोड़ी थोड़ी देर ही हर एक चीज़ नूं पकाउणा आ। असी प्याज भी साढ़े भुज चले तो उस तो बाद असी ये बाकी मसाले ऐड करते हैं। ये पहला पाने असी लून, लून पाने तो बाद हुण असी ये पावांगे जिंजर गार्लिक पेस्ट के पाउच। फिर असी इहदे विच पावांगे टमाटर की प्यूरी ते इहनूं भी असी थोड़ी देर पकावांगे।
मसाले सारे साढ़े तकरीबन पक चुके आ। वधिया कलर आया है। ये हूँ अस जो आलू फ्राई करके रखे थे उन्होंने पा दें। तुड़के पाने के तुड़के दे घुल जाते हैं जिन्हें साड़ी ग्रेवी संघनी हो जाती है। तो हूँ अस ये पाने मसाले मसालों में असं कसूरी मेथी पहले रखी हुई सी, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला ते देगी मिर्च। इन्हें भी पाने तो बाद असी पका लें थोड़ा जिहा, क्योंकि हल्दी का फिर कच्चापन जिहड़ा खत्म हो जाऊगा। हुण असीं इहदे विच पाउणे जिहड़े असीं मगज पानी पा के थोड़े पीस के रख ले सीगे उन्हां नूं भी पा लैंदे आ। इन्हां नूं तां थोड़ी देर जरूर पकावांगे क्योंकि असीं मगज रोस्ट नहीं सी कीते, कच्चे मगज ही ले सीगे। ग्रेवी साड़ी बहुत संघनी हो गई है। तो हूँ असी ये पावे एक घंटा पहला मैरीनेट किया हुआ चिकन। इस तरीके ने चिकन मैरीनेट करके रखने के नाल साड़ा चिकन बहुत छेती पकता है। तो हूँ असी इस चिकन ग्रेवी में पा के रलाने तो 15 मिनट बाद अस फिर खोल के देखते हैं। चिकन साड़ा रेडी हो गया है। तो हूँ गैस बंद करके असी हूँ चिकन उत्ते हरा धनिया पावे तो इनू असी एक डूंगे विच कढ़ के उदे उपर हरा धनिया तो बटर पा के इनू असी डेकोरेट करते हैं। तो जे तुहानू साडी अज दी वीडियो वधिया लगी ग्रेवी चिकन दी तो प्लीज़ साडे चैनल नू लाइक शेयर ते सबसक्राइब जरूर करियो।